हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम फ्लेम सेंसर प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो जैसे कि देख सकते हो कि हमारी ये फ्लेम सेंसर मॉड्यूल है, इसे हम आईआर सेंसर भी कहते हैं। तो चलिए प्रोजेक्ट बनाते हैं। उसके लिए बैटरी होल्डर, एक आईआर सेंसर और एक बजर और एक रिमोट और एक लाइटर की नीड है। तो जैसे कि देख सकते हो कि हमारा ये फ्लेम सेंसर है, ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है, ये इसका सिग्नल आउटपुट है। चलिए अब बारी प्रोजेक्ट को बनाने की। तो हम बजर के पॉजिटिव वायर को हम फ्लेम सेंसर के पॉजिटिव से अटैच कर लेते हैं सोल्डिंग की। तो अब बारी है नेगेटिव को सोल्ड करने की। तो हम फ्लेम सेंसर के सिग्नल से अटैच कर देंगे। तो जैसे देख सकते होंगे कि हमने सिग्नल से अटैच कर दिया। अब आ रही है बैटरी होल्डर को अटैच करने की। तो बैटरी होल्डर के पॉजिटिव वायर को हम फ्लेम सेंसर के पॉजिटिव से और नेगेटिव वायर को हम फ्लेम सेंसर के नेगेटिव से अटैच कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने इसका कनेक्शन कर दिया है। जैसे हम इसमें बैटरी होल्डर लगाते हैं, तो अब इसके साथ हम स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से प्रीसेट को सेट कर लेंगे इसकी रेंज को। तो जैसे लाइटर जलाते हैं तो आप इसकी बजर की साउंड सुन सकते होंगे कितने अच्छे तरीके से आ रहा है। ये हीट को डिटेक्ट करता है, इसमें इन्फ्रारेड सिग्नल आता है। तो आप आ रही रिमोट को चेक करके दिखाने की। तो ये रिमोट में से इन्फ्रारेड सिग्नल डिटेक्ट कर लेता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कमेंट से जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।